हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। एमआरसी टेक्निशियन में फिर से नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। आज का वीडियो में हम जानेंगे प्राइमरी पंप और सेकेंडरी पंप का क्या काम है, एचवीएसी सिस्टम में ये दोनों का क्या काम होता है, ये क्या काम करते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिलर लाइन का। तो देखिए क्या है, एचयू से जो भी रिटर्न वाटर जो आता है, फील्ड वाटर, देखिए यहाँ पर रिटर्न है CHW, फील्ड वाटर रिटर्न। ये रिटर्न वाटर जो है अपना ये प्राइमरी पंप में आता है। यहाँ पर देखिए गेट बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वाई स्टेनर लगा हुआ है। फील्ड वाटर रिटर्न का देखिए सैंपल भी है। तो ये आपका जो है ये प्राइमरी पंप है हमारा, ये जो है देखिए इस पर लिखा हुआ है प्राइमरी पंप, ठीक है। ये प्राइमरी पंप जो है, प्राइमरी पंप का ये सक्शन में आता है, ये सक्शन लाइन हो गया प्राइमरी पंप का, ये सक्शन में आया फील्ड वाटर रिटर्न, ये आपका डिस्चार्ज किया। इसमें देखिए ये एयर आंटी लगा हुआ है, अगर पंप मान लीजिए मेरा खराब हो जाता है, किसी तरह से प्रॉब्लम होता है, तो ये एयर आंटी का क्या फंक्शन होता है, ये वन वे वाल्व इसको बोला जाता है। ये जस्ट नाउ इसको क्या करेगा, पानी को उसके ऊपर नहीं आने देगा, किसी भी खराब होता है। इसमें एन आर वी करके लिखा हुआ है, एन आर वी नॉन रिटर्न बल्ब। इसमें मैनुअली गेज लगा हुआ है, यहाँ पर ये चिल्ड वाटर बल्ब है, यहाँ पर ये गेट बल्ब है आपका, ये आप इससे बंद कर सकते हैं, इससे बंद कर सकते हैं, ये दोनों बंद करके आप कोई किसी पंप का काम कर सकते हैं। तो प्राइमरी पंप का मुख्य जो काम है क्या है, एचयू से रिटर्न वाटर जो है इसमें आता है, और ये यहाँ से इसको डिस्चार्ज करके ये चिलर में सप्लाई डालता है। ये रिटर्न वाटर को खींच करके चिलर में सप्लाई करता है, ये प्राइमरी पंप का काम है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंडरी पंप, सेकेंडरी पंप का क्या काम है कि सेकेंडरी पंप जो है हमारा चिल्ड वाटर जो चिलर से निकलता है वाटर, वो वाटर आता है सेकेंडरी पंप में। ये देखिए सेकेंडरी पंप लिखा हुआ है, सेकेंडरी पंप में आता है, सेकेंडरी पंप जो है इसको डिस्चार्ज करके एचयू में भेजता है। प्राइमरी पंप से एचयू से आता है और वो चिलर में भेजता है, लेकिन चिलर से पानी सेकेंडरी पंप में आता है और ये जो आपका वाटर है ये एचयू में भेजता है। ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज्यादातर यूज होता है, कहीं कहीं आपको सेकेंडरी पंप नहीं भी मिलेगा, एक ही पंप से काम हो जाता है इन और आउट का, एचयू का और चिलर का, अगर एरिया कम है तो। लेकिन एरिया ज्यादा होने के चलते इसमें सेकेंडरी पंप लगाता है, सेकेंडरी पंप के जरिए भेजा जाता है पानी को अपना एचयू में, और फिर एचयू से रिटर्न आता है आपका प्राइमरी पंप। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ इसका यहाँ पैनल बोर्ड है, ठीक है, ये सेकेंडरी पंप का पैनल बोर्ड है, ये VFD इसमें लगाया हुआ है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव इसको बोला जाता है, ठीक है। इसका क्या काम है कि जितना लोड रहेगा पंप पे, लोड के हिसाब से उसका स्पीड को रोटेट करता है, वो जितना जरूरत होगा उतना ही स्पीड उसको फ्लो कराएगा। ये आपने देखा कि प्राइमरी पंप का इधर लगा हुआ है, ये देखिए आप जैसा कि देख पा रहे होंगे ये फील्ड वाटर फ्लो है, मतलब कि चिलर का फ्लो है। देखिए वहां पर चिल्ड वाटर फ्लो जो है यहाँ सेकेंडरी पंप में ये आ रहा है, ठीक है, और वो जो रिटर्न है वो चिलर के अंदर जा रहा है। तभी आपको मैं चिलर के पास ले जाकर दिखाता हूँ कि चिल्ड वाटर रिटर्न और सप्लाई कैसे है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है पूरा पंप लाइन जो है यहाँ पे, अभी आपको यहाँ पे आप नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारा लाइन यहाँ पर कनेक्टेड किया हुआ है एक दूसरे से लुक करके। तो लेकिन आप ये जानिए कि हमारा सेकेंडरी पंप में जो है चिल्ड वाटर सप्लाई आ रहा है, और इसके बाद ये डिस्चार्ज करके अपना एचयू में भेज रहा है। प्राइमरी पंप में क्या होता है, प्राइमरी पंप में हमारा एचयू से पानी आता है और प्राइमरी पंप जो उसको डिस्चार्ज करके चिलर में भेजता है। ये इसका मुख्य काम है, ये दोनों का, प्राइमरी पंप का, सेकेंडरी पंप का। हाँ दोस्तों, तो देखिए अभी मैं चिलर के पास आ गया हूँ। ये जो लाइन है चिल्ड वाटर रिटर्न है जो एचयू से आ रहा है, प्राइमरी पंप से होते हुए जो एचयू से आ रहा है, और ये सप्लाई जा रहा है। देखिए आपको यहाँ चिलर के पास दिखाते हैं, ये हमारा जो है स्क्रू चिलर है। अभी आपका जो है ये आपका चिल्ड वाटर रिटर्न है जो एचयू से आ रहा है, यहाँ पर ये चिलर में इंटर कर रहा है। वहाँ पे देखिए चिलर है, ये चिल्ड वाटर रिटर्न है जो चिलर में जा रहा है, फिर वहां से आपका प्रोसेस होते हुए ये चिल्ड वाटर आउट कर रहा है, चिल्ड वाटर फ्लो है। अब ये कहाँ जाएगा, ये सेकेंडरी पंप में जाएगा, ये आपका प्राइमरी पंप से आ रहा है इसमें, और ये जो है सेकेंडरी पंप में जाएगा, और सेकेंडरी पंप जो है उसको एचयू में भेजेगा, और एचयू से जो आया वो आपका आपका प्राइमरी पंप में आया, और प्राइमरी पंप से वो चिलर में भेजा, वो डिस्चार्ज जो लाइन था
और आपका इसमें आया। तो ये आपका फंक्शन था प्राइमरी पंप का और सेकेंडरी पंप का।